हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। हमारे चैनल पे एयरफोर्स ने भी कोस्ट करके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या कोई भी वैकेंसी रिगार्डिंग अपडेट हो सबसे पहले अपडेट किया जाता है। और फिजिक्स जिसमें अभी सीरीज स्टार्ट किया है फिजिक्स का हमने, जिसमें अभी बात करने वाले हैं फ्लूड, मतलब कि फ्लूड प्रेशर तरल दाब, जिससे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनता है वन लाइनर, उससे ही हमने टॉप क्वेश्चन को इसमें पिक किया है। तो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कैसा क्वेश्चन आता है। वही क्वेश्चन हम लिए हैं जो एग्ज़ाम में आता है, ये नहीं कि पीएचडी लेवल वगैरह नहीं कराएंगे। इसमें इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने का बहुत कम चांस रहता है और अधिकतर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का, क्योंकि 20 क्वेश्चन लगभग 25 क्वेश्चन है, 25 मिनट है, एक मिनट पर एक क्वेश्चन, अगर न्यूमेरिकल ज़्यादा आएगा तो आप कैसे सॉल्व करिएगा। इसलिए और एयरफोर्स के एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है, बाकी कॉन्सेप्ट बेस डायरेक्ट वन लाइनर। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगा हो लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। जैसे उससे पहले हम बात कर लेते हैं, ये हमारा टैगलाइन है, करो तैयारी जीत की। इस सीरीज से 18+ की गारंटी है, जितना बताए उतना कर लो मेरे भाई, जितना बताए उतना कर लो, एक बार विश्वास। और ये है प्रीवियस ईयर, सॉरी इसमें डिस्कस करने वाले प्रीवियस ईयर, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें आया है। सो अब बात करेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तरल दाब फ्लूड प्रेशर, इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन है दाब एक है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन को इजीली आप कर लेंगे। तो दाब क्या है, ऑप्शन ए है सदिश राशि, ऑप्शन बी अदिश, ऑप्शन सी इसमें से कोई नहीं, कोई न सदिश और ना ही अदिश। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अदिश राशि। दाब क्या है, अदिश राशि है। हाँ, इसका फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट बना है उस पर आप जाके देख सकते हैं, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन से नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर टू, दाब का मात्रक है, ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति मीटर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि दाब के बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल के लिए न्यूटन लिख लीजिए, सॉरी बल बटा क्षेत्रफल, बल के लिए न्यूटन और क्षेत्रफल के मीटर स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या, यदि क्षेत्रफल एक चौथाई हो जाए तो दाब कितना गुना हो जाएगा, ऑप्शन ए है दो गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी है चौथाई रह जाएगा, ऑप्शन सी है चार गुना, ऑप्शन डी है वही रहेगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दाब का, अभी हमने फॉर्मूला बताया बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, तो यहाँ पे दाब क्या हो गया, दाब डायरेक्ट दाब व्युत्क्रमानुपाती है 1/ क्षेत्रफल के, तो क्षेत्रफल को अगर कितना एक चौथाई करना है तो 1/4 करिएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो दाब कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, द्रव दाब निर्भर करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, तो इसको इस थोड़ा ध्यान से। ऑप्शन ए है केवल द्रव की गहराई पर, ऑप्शन बी है केवल द्रव के घनत्व पर, और ऑप्शन डी है सी है केवल गुरुत्वीय त्वरण पर, ऑप्शन डी है गहराई घनत्व या गुरुत्वीय त्वरण तीनों पर। तो दोस्तों ये बोले तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट होगा, इसका आंसर गहराई घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण पर। कॉन्सेप्ट के लिए आप लिस्ट बनाए, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव चलते हैं, द्रव की किसी संतुलन अवस्था में इसके किसी भाग पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित कर दिया जाता है, यह कथन कहलाता है, ऑप्शन ए है बायल का नियम, ऑप्शन बी है पास्कल का नियम, ऑप्शन सी है आर्किमिडीज का नियम, ऑप्शन डी है हुक का नियम। तो दोस्तों ये किस चीज़ का नियम है, ये पास्कल का नियम है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये नेवी के एग्जाम में आ चुका है, और ये 6 नंबर क्वेश्चन भी, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये लगातार क्वेश्चन, मतलब जितने भी इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं सभी, या फिर एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो और एनडीए,
ये चारों एग्जाम में कई बार रिपीटेड होते रहते हैं यही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है चार्ल्स नियम पर, ऑप्शन बी है बॉयल नियम पर, ऑप्शन सी है पास्कल नियम पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हाइड्रोलिक ब्रेक का जो सिद्धांत आधारित है वो पास्कल के नियम पर आधारित है, ऑप्शन सी पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना प्रदर्शित करता है? दोस्तों इससे तीन क्वेश्चन बनता है, एक अचानक गिर जाना, धीरे धीरे गिरना और धीरे धीरे उठना। तो पहले ये देख लेते हैं, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना, इसमें से क्वेश्चन ये क्वेश्चन इन तीन क्वेश्चन में से कोई ना क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अधिकतर पहले नेवी के एग्जाम में आता था, अब एयरफोर्स के एग्जाम में भी, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में भी देखा गया है। क्वेश्चन नंबर सेवन, तो दोस्तों जब वायुमंडलीय दाब अचानक गिरेगा तो क्या प्रदर्शित होता है? ऑप्शन ए है आंधी आएगा, ऑप्शन बी है वर्षा आएगा, ऑप्शन सी है स्वच्छ मौसम, ऑप्शन डी है शीतलहर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंधी। जब अचानक गिरेगा तो आंधी आएगा, और धीरे धीरे जब गिरता है तो वर्षा आता है, और जब धीरे धीरे ऊपर मतलब कि उठता है तो क्या होता है? साफ मौसम होता है। तो तीनों क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं, अचानक गिरेगा तो आंधी, धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा, और धीरे धीरे उठेगा तो क्या होगा? स्वच्छ मौसम मतलब साफ मौसम। तीनों क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे, जल से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा इस प्रकार तैर रहा है कि बर्फ का कुछ भाग जल के ऊपर है, यदि बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल जाए तो गिलास में जल का पूर्व तल। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, पहले जब एग्जाम ऑफलाइन होता था तो ये कई बार एग्जाम में, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइएगा तो उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ऑप्शन यहाँ ऊंचा हो जाएगा, ऑप्शन बी है नीचा रहेगा, ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर रहेगा, ऑप्शन डी है ऊपर व नीचे कुछ भी रहेगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर रहेगा, जब बर्फ का टुकड़ा है वो इस प्रकार तैर रहा है कि बर्फ का कुछ भाग उजल के ऊपर है, तो जब पिघल जाता है तो क्या होगा? फिर वही बन जाएगा। तो ये थे टॉप YouTube परमजीत क्लासेस। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। ये है क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नाइन है, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि? ऑप्शन ए है समुद्र का जल गहरा होता है, ऑप्शन बी है समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, ऑप्शन सी है समुद्र में लहरें उठती रहती है, ऑप्शन डी है समुद्र के जल का घनत्व कम होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्र के जल का घनत्व जो होता है अधिक होता है, नोट कर लीजिए आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, एक पिंजरा तोते के साथ एक कमानीदार तुला पर लटका हुआ है तो तोता उड़ना शुरू करता है, तो कमानीदार तुला का पार्ट यांग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है बढ़ेगा, ऑप्शन बी है कम होगा, ऑप्शन सी है परिवर्तित नहीं होगा, और ऑप्शन डी है शून्य होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये थे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो या फिर एनडीए हो, ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। आप अगर नहीं विश्वास है तो कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइएगा तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग परमजीत क्लासेस, टेलीग्राम चैनल है ये परमजीत क्लासेस 953, यहाँ पे जुड़ जाइए ताकि आपको PDF क्लासेस अपडेट मिलते रहे। कोई भी डाउट के लिए व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं और या फिर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। PDF के लिए वहीं पे टेलीग्राम चैनल, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।